ये मैंने सब आपके लिए किया है, सेकंड टाइम भी मैंने ये स्टिच सिर्फ आपके लिए ही किया है। और रेप में काट लेना है, ये काफ़ी स्ट्रेचेबल हो जाता है। जी हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। तो जनाब साहब, अब करते हैं हम स्टार्ट। सब्सक्राइब कर दिया ना आपने, जल्दी से कर दें ताकि आपको मिल आने वाली वीडियोस मिल सकें। जी तो मैं आप लोग के लिए लाई हूँ ये शर्ट। इसका जो नेक डिज़ाइन था, काफ़ी लोगों ने इसकी डिमांड की कि इसके बारे में आप हमें पूरी डिटेल बताएं, तो मैं आपको इसके पूरी डिटेल बताऊंगी, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ, ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। सबसे पहले ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बहुत लंबी है, कुछ हाथों में लेके बैठ जाएँ स्नैक्स वगैरह। तो ये है कि अब हम स्टार्ट करेंगे। ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इंच स्ट्रेप हो गया, पेंसिल, स्केल एंड सीज़र, ठीक है। और सबसे पहले हमने ये करना है कि फ्यूजिंग लेनी है। फ्यूजिंग ये है कि ज़ीरो साइज़ की लेनी है, ये इजीली कट हो जाती है, इस पर डिज़ाइन बन जाते हैं, जैसे आप मोड़ना चाहें मुड़ जाती है। इसमें ये है कि ये फ्यूजिंग तीन तरह की मिलती है, एक ज़ीरो साइज़ की होती है, एक वन टू और थ्री। वन टू थ्री तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मैं बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की फ्यूजिंग लेती हूँ। बहुत मतलब सब जगह यही यूज़ होती है, काफ़ी ब्रांड्स में, मतलब काफ़ी का सब ब्रांड्स में यही यूज़ होती है। आप लोग देख लीजिएगा, आपके लोग घरों में कपड़े होंगे, फोल्ड करके देख लीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फ्यूजिंग को हमने डबल फोल्ड करके, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक इंच के गैप से एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। ऊपर और नीचे मैंने डॉट लगा लिया था कि बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ऐसे मैं लगा सकूं। और ये है कि फिर इसके बाद इसकी विड्थ जो है ना गले की, जो अब मैं बनाने लगी हूँ ये पिंक शर्ट के लिए, ठीक है, ये मैं रखूँगी 4 इंच विड्थ होगी इसकी। और ये जो मेरी ब्लैक शर्ट है इसकी मैंने रखी थी 7.5, तैयार थी इसकी मेरी, ठीक है। और इसके बाद ये है कि आप लोग अपना नेक बिल्कुल मेजरमेंट कर लीजिएगा इसकी, कि कितनी आपकी नेक है। मतलब ये जो मैं पिंक सूट के लिए गला सी रही हूँ ये लार्ज साइज़ का है गला, ठीक है। और ये है कि ऐसे हम डबल कर लेंगे, ठीक है, 4, मैं 4 ले लेती हूँ विड्थ इसकी, ठीक है। और ऐसे ही स्ट्रेट नीचे लाइन लगानी है आपने, ऊपर से भी 4 और नीचे से भी 4, ठीक है। और वी गला बनाने के लिए, वी के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ इस तरीका, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी अच्छी शेप बन जाती है गुलाई की। अच्छा, इसकी जो लेंथ है 7.5 तैयार है, ठीक है, 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो हम प्रॉपर तैयार रखने के लिए 7.5 रखेंगे। और वैसे हम 8 इंच की कटिंग करेंगे, ठीक है। ये 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। तो जनाब साहब, आ जाते हैं हम गले की तरफ, जो कि हमने जो दरमियान वाला ये नेक है ये छोटा सा, ठीक है, इसकी हमने रखनी है 2.5 इंच चौड़ाई रखनी है, ताकि ये पूरा ना गले के साथ ऐसे फिक्स हो। ठीक है, 2.5 हो गया, और 2.5 ही यहाँ से इस तरह पूरा गुलाई से आपने 2.5 लेकर आना है। ये मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रही हूँ, मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप इसकी मेजरमेंट बता दें, पूरा साइज़ वगैरह बता दें, क्या रखी है आपने इस ड्रेस की, इसके गले की, सॉरी। आपको ये अगर कम लग रहा है तो आप यहाँ से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल गले के साथ फिक्स चाहिए था गलारा, तो इसको हम गोल कर लेंगे। ठीक है, और इसकी जो वी है ना शेप, ओह सॉरी, और इस गले की जो शेप है ना, मैं आपको बताती हूँ,
ये आपने कैसे रखनी है, आपके पास सबके पास इस्त्री होगी घर में, ठीक है, इस्त्री से आपने शेप बनानी है, वी शेप, उससे बड़ी बेस्ट बनती है, बहुत कमाल बनती है, ऐसे आपने आयरन रखनी है अपनी इस्त्री। ये शेप आपने देनी है इस तरीके, ठीक है, और फिर आपने खुद ही अंदाजन, ठीक है, इसमें ये है कि इसमें आपने अपना फन दिखाना है इसमें, ठीक है, आप इसको चाहें ये जो स्पेस है आपकी, ठीक है, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब ऐसी शेप भी दे सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपने कैसी शेप देनी है। अच्छा, जो शर्ट की है ना, इस ब्लैक शर्ट की जो स्पेस है वो मैं देखती हूँ कितनी है, टू एंड हाफ है, मतलब टू एंड हाफ से एक पॉइंट कम है, ठीक है, अगर सेम ही देनी है आपने, टू एंड हाफ से एक पॉइंट कम है, तो ये बनती है, इसको तो मैं ऐसे डबल कर लेती हूँ, वही मुझे नहीं पता, आज ये है, आपको जो ऊंच नीच और नज़र आए उसको आप ठीक कर लें, जैसे ही मैं ये ठीक कर रही थी, और ये है कि इसके बाद आपका ये जो वी मैंने शेप ऊपर से निशान लगाया है, इससे हट के आपने एक एक इंच का फासले पे निशान लगा लेना है, ये पूरी ऐसे कटिंग कर लेनी है, सबसे पहले आपने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है, ये बाहर वाले गले की। आप लोग, मैं एक बात बताती हूँ, एक दफ़ा मैं जो चीज़ स्टिच कर लेती हूँ ना अपनी, वो दोबारा मेरा ना सीने का यार दिल नहीं करता दोबारा से ना एक ही डिज़ाइन बार 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 बार, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के लिए सब कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था ये डिज़ाइन, मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ, और ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं सब के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं तकरीबन सबको ही रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आपने इसकी कटिंग कर लेनी है अब, इस गले की, ठीक है, इस गले की कटिंग कर लेनी है आपने। अब आपने ये करना है, ये एक्स्ट्रा मैंने ऊपर रखवाया था एक एक इंच, ठीक है, इसका कटिंग कर देना है आपने, ठीक है, ये हो गया, इसका कटिंग नहीं करना हमने, ठीक है, क्योंकि ये फोल्ड होगा, एक साइड इसकी फोल्ड होगी, ओके, और ये है कि जब ये स्टिच होगा ये जो नीचे की साइड है इसके नीचे जाके ऐसे फिक्स होगी, ठीक है। तो अब हम ये कटिंग कर लेते हैं, अब हम अपना ये गोल गला कटिंग कर लेते हैं अंदर वाली साइड। बिल्कुल आपने देखना है ये, आप ओप्स, आप बस मुतमईन होने चाहिए कि आपने सही कटिंग की हुई है, जहाँ से आपको ऊंच नीच लगे आप वहाँ से क्लियरली फिनिशिंग के साथ क्लियर कर लें, ओके। ये कट गया है गला, अब ये इतना उड़ेगा ना,
ठीक है, ये हो गया और ये गला जो बड़ा कटवाया था मैंने आपसे, ये इसके अंदर करके ऐसे अटैच होगा। ऐसे यहाँ से स्पेस छुटनी चाहिए, इस तरफ से स्पेस हाफ हाफ इंच इनके दरमियान से छुटनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताऊंगी कि लगाना किस तरह है। अब आपने ये करना है कि जिस शर्ट पे भी आपने बनाना है गला आप बना लें, उस पे आपने गला चिपका लेना है। मैं आपको बताती हूँ, ये तो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैं आपकी वजह से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कोई इतना भी एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब ज़्यादा ही है, तो मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने कपड़े पे प्रेस बुकरम चिपका लेनी है इस तरह से, ठीक है। और ये भी मैंने चिपका लिया था, और ये है कि आधा आधा इंच छोड़ कर आपने कटिंग कर लेना है, ठीक है। दोनों ही आपने इस तरह कटिंग कर लेने हैं। प्रेस बुकरम को कपड़े से जोड़ लिया था, इस प्रेस बुकरम को भी मैंने कपड़े से जोड़ लिया था। और ये है कि इस पे मैंने सिलाई कर दी थी, इसको फोल्ड करके इससे बढ़ा के आपने कपड़ा रखना है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, इतने ही साइज़ का आपने दूसरा कपड़ा लेकर, ठीक है, ऐसे, और ये रख के यहाँ सिलाई लगानी है, 1 2 बस। तो ये मैंने अटैच कर लिया था, ठीक है। और आप देखें बिल्कुल साथ जोड़ के सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा फासले पे लगानी, ज़रा सा, ठीक है, ओके। अब इसको कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो यहाँ हम कट लगा लेंगे, जहाँ भी कर्व या गुलाई आपकी आ रही हो वहाँ कट लगा के आप कपड़े को फोल्ड करेंगे जब, तो बड़ा फिनिशिंग से वो शेप आएगा, ठीक है। यहाँ भी दूसरी तरफ भी हम ये कट लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इसको करेंगे फोल्ड ऐसे, तो ये फोल्ड करके आपने इसको आयरन करना है। तो ये मैंने उरेब में कपड़ा काटा है, तिरछा टेढ़ा, ठीक है, उरेब में काट लेना है। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल हो जाता है, किसी भी शेप में आप इसको लगाएंगे तो वो गुलाई शेप ये खुद ही बनाएगा अपनी, काफ़ी इजी हो जाता है स्टिच करना, तुरपाई करना, जो भी आप करें इसको उरेब में करके ऐसे लगेगा ये, ठीक है। और अब ये है कि इसकी अंदर वाली साइड हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये पेंसिल से मैंने ऐसे निशान लगा लिया था। जहाँ मैंने ये पेंसिल से निशान लगाया था मैंने आपको दिखाया है, यहाँ मैंने सिलाई कर ली थी, ठीक है। और अंदर वाला कपड़ा 3 पॉइंट छोड़ के आपने पूरा कटिंग कर लेना है गुलाई से। तो मैंने इसकी ऐसी कटिंग कर ली थी, और ये मैंने सिलाई इसलिए लगाई है ताकि यार सिलाई लगाते हुए ना दूसरा जो मैंने फैब्रिक रखना है यहाँ पे रेब में, ताकि पता लगे कि कहाँ से आपने सिलाई लगाते हुए लेके जाना है, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने लगाई है जी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि वो उरेब में कपड़ा लगा के आपने गुलाई शेप दे देनी है इसकी, ठीक है। और बीच में से ये है आपने कट लगा लेने हैं, ठीक है, ये देखें। और ये है कि इसको ऐसे पूरा फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड करना है ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ डबल फोल्ड करके आपने अच्छी सी तुरपाई कर लेनी है यहाँ पर पूरी गुलाई से ऐसे। और अब यह है कि इसको आयरन कर लेना है आपने। फिर इसके बाद यह है कि मैं आपको दूसरे फ्रंट पे, जो फ्रंट का जो आपका डिज़ाइन है वो आपने शर्ट पे गला लगा के ऐसे सिलाई कर लेना है, ठीक है, जैसे ये मैंने किया है। और अंदर वाला जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको मैं कटिंग कर लूँगी, ये देखें, ऐसे कटिंग करके। और जगह जगह आपने, मैंने आपको इस तरह बताया था, कट लगाने हैं ऐसे, कट लगाने हैं दोनों तरफ,
दोनों तरफ कट लगा के इस गले को आपने फोल्ड करना है अंदर की तरफ और आयरन कर लेना है अच्छे से ऐसे। ये मैंने इन दोनों को आयरन कर लिया था अच्छे से, ठीक है। अब इसको ये है कि डबल फोल्ड करके, बैक साइड से डबल फोल्ड करके इसकी मैं अच्छे से तुरपाई करूँगी इस तरह से। पिनअप कर लिएगा सब कुछ तो फिर आप इजीली तुरपाई कर लिएगा। ये मैंने तुरपाई कर लिया था, ठीक है। ये देखें इस तरह से करनी है आपने। और ये तो अब ये है कि आपने फ्रंट साइड लेनी है, फ्रंट साइड पे ये अटैच कर लेना है आपने इस तरह करके, जैसे भी आपको इजी लगे पिनअप कर लें, ठीक है। पिनअप करके या तो सिलाई लगा दें या तो तुरपाई कर लें, ठीक है। मेरा जो पहला गला था मतलब पहली शर्ट थी उस पर नेक डिज़ाइन जो मैंने बनाया था उस पर मैंने सिलाई ही लगाई थी, ठीक है। हाफ़ अ हाफ इंच दोनों साइड से छूटना चाहिए, ठीक है। ये है कि आप लोग अब कह रहे होंगे कि इसको अटैच हमने कैसे करना है, ठीक है। इसको हमने अटैच कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, अटैच करके ये बैक साइड का जो गला है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने इसको इसे सुई से ज्वाइन कर लिया है, ये नज़र आ रहा है। अब आप इसको या तो यहाँ सिलाई लगा लें, ठीक है, सिलाई लगाना चाहें सिलाई लगा लें। वैसे ब्लैक ड्रेस पे मैंने सिलाई लगाई थी कि सिलाई मैंने इसलिए लगाई थी कि ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो डिज़ाइन है ये उठा उठा लगे, ये देखें ये उठा उठा लग रहा है इसलिए, ठीक है। सुई से ज्वाइन करके यहाँ से आप तुरपाई कर लें ताकि यहाँ फ्रंट साइड से नज़र ना आए, ठीक है जी। तो मैंने ये बैक साइड से इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लिया था, ये देखें पीछे से बड़ी फिनिशिंग से। तो अब ये है कि नेक्स्ट हम करेंगे इसको बैक साइड से अटैच कर देंगे जो आपका बैग है, ठीक है। तो ये मैं पिंस निकाल लेती हूँ। पिंस निकालने के बाद ये है कि अब आप इसको मैं बैक साइड से अटैच करूँगी, ठीक है, ऐसे ही। यहाँ से स्टार्ट करनी है आपने, शोल्डर से यहाँ तक और इस साइड से यहाँ तक जी। तो इसको मैंने ये अटैच कर लिया था, एक साइड मैंने अटैच कर ली थी और ये चीज़ मैंने छोड़ दी थी, ठीक है। ये मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगी। अब ये है कि हम सीधा करके जितना हमारा फ्रंट का है ना नेक डिज़ाइन, ये जो है फ्रंट का नेक है, इतना ही हमने गोलाई कटिंग करनी है, ठीक है। ये मैंने ऐसे कटिंग कर लिया था, ये देखें बिल्कुल आपने एज इट इज़ ऐसे ही स्टिच करना है, इस वीडियो को ऐसे ही फॉलो करना है। और बैक साइड से भी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा ओपन रखना है, 4 इंच का ओपन रख लेते हैं, 4 इंच बहुत रहेगा, ठीक है। अब यह है कि मैं थोड़ा सा कपड़ा लूँगी और ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसको मैं बीच में से ऐसे सिलाई कर दूँगी। सीधी साइड पे कपड़ा रख के आपने ऐसे सिलाई करनी है, ठीक है। एक पॉइंट का बीच से छोड़ के सिलाई लगानी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे लगानी है। ये देखें ये मैंने ऐसे सिलाई कर लिया था और बीच से आपने कट लगाना है सीज़र से, ये देखें बहुत ध्यान से कट लगाना है आपने और कोने तक ले जाना है, बिल्कुल कोने तक, ठीक है। इसको ऐसे सीधा करेंगे आप, पिछली साइड पे फोल्ड कर दिएगा आप, ये इसको आप इस्त्री कर लें, एक भी इसमें बबल या चुन नहीं रहेगी, ठीक है, ऐसे। ये देखें तो अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये जो हमने बैक साइड पे कपड़ा फोल्ड किया था उसको आपने डबल फोल्ड करके ऐसे तुरपाई कर लेनी है। ये मैंने पिंस लगाई हुई है, आप लोग भी पिंस लगा लें इस तरह तुरपाई करके। आप लोगों ने पूरी तुरपाई कर लेनी है, ठीक है, जिस तरह मैंने ये की है, फिनिशिंग से करनी है, छोटे छोटे धागे लेके नीचे से, ठीक है, इस तरह करनी है।
और ये है कि लास्ट स्टेप रह गया है, ये उरेब में ही हमने कपड़ा लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ हमने पाइपिंग कर लेनी है इसकी, और ये है कि मैंने ये कर ली थी और ये अब हो गई है रेडी। अब लास्ट वन हमारा रह गया है टिच बटन और हुक लगाना बाकी रह गया है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें लगा के अब पहन के दिखाती हूँ। आप लोगों को बताने बताने में मेरी एक शर्ट स्टिच हो गई है। थैंक यू। चले जी, अब ये मेरा नेक डिज़ाइन हो गया है रेडी। एज इट इज़ मैंने ये ब्लैक शर्ट की तरह ही रखा था आप लोगों की डिमांड पे। ये स्लीवलेस शर्ट है तो मैं भी आपको ये पहन के दिखाऊंगी। यार ये जो लुक है ना, जो मैंने अपनी शर्ट सी है, इसकी लेंथ जो है काफ़ी शॉर्ट है, मतलब कि ये आप जीन्स पे पहन सकते हैं, इजीली आप जीन्स पे ये पहन सकते हैं। और ये है कि मैंने तो इसके साथ अभी ट्राउज़र पहना हुआ है, मुझे आप लोगों को ये बस शो करवाना था कि ये गले की लुक कुछ ऐसी ही बनी है, ठीक है। और ये है कि अगर ये चीज़ आप विड्थ इसकी कम रखना चाहें तो ये आप कम भी रख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से जो मैंने पहले वाला ड्रेस स्टिच किया है उससे थोड़ा सा बड़ा स्टिच हुआ है ना गला, तो ये मैंने सब आपके लिए किया है। सेकंड टाइम भी मैंने ये स्टिच सिर्फ आपके लिए ही किया है। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए तो आप इसकी डिटेल बता दें, तो इसलिए मैंने आपके लिए ही डिटेल शेयर की है, सिर्फ आपकी वजह से डिटेल मैंने शेयर की है। तो गाइज इसकी इतनी की कोई क्लासी लुक आई है। मेरा मकसद था कि आप लोग इसकी मेजरमेंट देख लें। इस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। ओके, लव यू।